दोस्तों 2 महीने तक बिल्कुल फ्री राशन मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको पैसे भी मिलने वाला है। इस लॉकडाउन में सरकार की तरफ से अनाउंस हुआ है, तो ये जो राशन है जो बिल्कुल फ्री में किन लोगों को मिलेगा, कैसे मिलेगा और पैसे कैसे मिलेंगे, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों राशन कार्ड की जो नई लिस्ट है, अगर उसमें आपका नाम होता है तो आपको जो है कि आपको फ्री में जो कि राशन 2 महीने तक मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो है कि पैसे भी मिलेंगे इस लॉकडाउन में। तो आप अपने गांव की, अपने राज्य की, अपने जिला की राशन कार्ड लिस्ट कैसे देखेंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने राज्य की राशन कार्ड की लिस्ट देखनी है। यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड सभी राज्यों। तो आपको दोस्तों करना क्या होगा, आपको ये जो एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन, इसको आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, ठीक है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप राशन कार्ड भी देख सकते हैं, ग्राम पंचायत खर्चे विवरण भी देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी लिस्ट देख सकते हैं, वोटर लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां पे आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे और आपको अपने राज्य का, अपने गांव का राशन कार्ड की नई लिस्ट कैसे देखनी है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के यहाँ पे ऑल प्रेस करना है और यहाँ से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि सबको जानकारी मिल सके। और यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि आप को राशन जो कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कमेंट करिएगा ताकि आपकी बात प्रशासन तक पहुँचे। उसके बाद दोस्तों अब आपको उस एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड करना है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे देखिए सभी राज्यों का यहाँ पे है राशन कार्ड, सभी राज्य यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं यूपी का हूँ, तो मैं यहाँ पे यूपी का राशन कार्ड ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए नाम कैसे देखें, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूंगा राशन कार्ड की सूची में नाम देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा राशन कार्ड की पात्रता सूची, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद सारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सभी जिले आ जाएंगे, जो भी आपका जिला उस पर क्लिक करें, जो भी आपका ब्लॉक हो उसको आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका जो भी ग्राम पंचायत है उसको आप सेलेक्ट करें। उसके बाद उस गांव में कितने राशन कार्ड बने यहाँ पर दिख जाएगा, वो दुकानदार का नाम भी दिख जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी आपके गांव की, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिता माता का नाम, कितने लोगों का नाम जुड़ा परिवार में देखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। डिजिटल राशन कार्ड संख्या पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 फैमिली का यहाँ पर नाम ऐड है, तो इसका नाम यहाँ पर देख सकते हैं। इसको इस राशन कार्ड को इस तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। तो अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये जो क्रोम ब्राउजर है यहाँ पे देखिए, क्रोम ब्राउजर आपको इसको मोबाइल में ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, ध्यान से दीजिएगा, आपको यहाँ पे लिखना है सही होगा .in/राशन-चेक। आपको एकदम स्पेलिंग बिल्कुल सही से लिखना है, आप देख लीजिए स्पेलिंग को ध्यान से, सही होगा .in उसके बाद स्पेस राशन उसके बाद चेक। जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरीके से लिख कर, तो आपके सामने यहाँ पे एक लिंक नजर आएगा, राशन कार्ड न्यू लिस्ट कैसे चेक करें हिंदी में, सही होगा, और यहाँ देखिए सही होगा .in। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है और इस लिंक पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही होगा .in/राशन उसके बाद चेक, एकदम बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, सही होगा के बाद तुरंत डॉट आपको लगाना है फिर इन। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।